थल जल और वायु सेना के देश में बने हथियारों को लेकर खबर है। तीनों सेना के सभी बड़े हथियार इसमें शामिल होंगे। तो भारत शक्ति युद्ध अभ्यास को लेकर ये बड़ी खबरें लगातार आपको टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है। लेकिन आज भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में सुमित, सेना के कौन कौन से स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इसकी भी पूरी लिस्ट है सुमित। देखिए, सबसे खास बात यह कि सबसे पहले अगर बात करें कि भारत की शक्ति में सेनाओं की स्वदेशी ताकत की एक पूरी झलक दिखेगी। सबसे पहले नाम आया था ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस के बारे में हम सब जानते हैं कि इसके लैंड हो, सी हो या फिर आप इसके एरियल वर्जन जो है, वो सारे हमने इसके सफल परीक्षण किए। इसके बाद अस्त्रा मिसाइल की भी बात की जाएगी सुरभि। बिल्कुल, आकाश मिसाइल सिस्टम, इसके साथ ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और साथ ही T-90 टैंक को लेकर भी सुमित खबर है। बिल्कुल, और देखिए इसके बाद सबसे ज्यादा नजर होगी K-9 वजर हॉविट्सर गन के ऊपर, यानी वो तोपखाने की, वो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी तोप है जिसने हमें कई लक्ष्यों को भेदने में बहुत मदद की। और हाल ही में 2020 के बाद भी इसका जो इसकी डिप्लॉयमेंट थी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, और धनुष हॉविट्सर भी इसमें शामिल होगी सुरभि। इसके अलावा BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, साथ ही AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर भी खबर है। समर एयर डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर भी सुमित जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल देखिए, और करियर मोटार ट्रैक के अलावा लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल, यानी जो व्हीकल हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। माउंटेन गन सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये देखिए, ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि ये सब भारत में ही बन रहा है सुरभि, और खास बात ये कि भारत अब दुनिया भर के तमाम देशों को इनको सप्लाई करने जा रहा है। बिल्कुल, और अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के साथ साथ गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब और निपुण माइन के साथ साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी, और साथ ही रॉकेट 6-8 mm भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो युद्ध अभ्यास को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी, जहां भारत शक्ति में सेना की स्वदेशी ताकत को देखते हुए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है राठौर सर, कि भारत इस स्वदेशी ताकत के बलबूते क्या मैसेज देगा, क्या बड़े संकेत दुनिया के सामने जाएंगे। देखिए सुरभि, रूस यूक्रेन वॉर में एक बहुत बड़ा मैसेज सामने आया है कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है जी। आज यूक्रेन जिस तरीके से परेशान है वो इसलिए है कि वो मांगे के हथियार और अम्यूनिशन पर लड़ रहा है। तो ये आत्मनिर्भरता के बारे में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है, और भारत ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। आपने जो स्पेक्ट्रम दिखाया, एक असॉल्ट राइफल से लेकर के आपके एयर डिफेंस मिसाइल तक या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का, ये स्पेक्ट्रम खुद अपने आप में दर्शाता है कि भारत प्रयत्न क्या कर रहा है। और भारत ये प्रयत्न कर रहा है कि हम इंडिजनाइज करें, हम आर्म्स एक्सपोर्टर बने, और हमारा क्वालिटी ऐसा हो कि वर्ल्ड में वो रिकग्नाइज हो, और संकट के समय पर हम को दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, और खास तौर पर आपके पास अपना एक कह सकते हैं असला हो, अपने गोले बारूद हो। और दत्ता सर देखिए, जॉइंटनेस की बात कह रहे थे राठौर सर, जॉइंटनेस एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम थिएटर कमांड की बात कर लीजिए या फिर आप स्पेशल फोर्सेज की जॉइंटनेस की बात कर लीजिए, ये एक मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण कदम है जो भारत की क्षमताओं को एक साथ लाके और ज्यादा मजबूत करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए थिएटराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, और उसमें न केवल हम अपनी रिसोर्सेज को सिनर्जाइज करते हैं, हमारा जो पंच जो है वो आयरन पंच है, वो डिलीवरी सिस्टम है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और भारत ने देखिए इस पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी आ चुका है। आप ये देखिए जिस तरह से भारत अपने जो फॉर्मेशंस है उनको री इंजीनियर या उनको री डिप्लॉय कर रहा है, आपने देखा होगा कि बरेली बेस्ड जो एक स्टैटिक फॉर्मेशन था उस कोर हेडक्वार्टर के रूप में या कोर के रूप में उसको तब्दील किया जा रहा है। रही बात हमारे जो वेपन जो आत्मनिर्भरता आ रही है, उसमें आप देखिए कि 13,000 करोड़ के वेपन्स हमने अब तक एक्सपोर्ट किए हैं। आकाश मिसाइल फिलीपींस, वियतनाम, UAE, ऐसे देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, ब्रह्मोस फिलीपींस से 375 करोड़ का हमारा करार रहा है। तेजस हमने मलेशिया और अर्जेंटीना को दिए हैं। म्यांमार 17% हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है। श्रीलंका 25% हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है। आर्मेनिया 11% कर रहा है। तो इन सब सऊदी अरेबिया 25% कर रहा है, और उसका जो इम्पोर्ट था वो भारत की तरफ अब झुकाव ज्यादा है। तो ये सब चीज बताती है कि भाई कैसे हम आत्मनिर्भर अपने आप को कर रहे हैं,
और कैसे हम एक रीजनल पावर से एक सुपर पावर की तरफ सर्टेनली और श्योरली बढ़ रहे हैं। ओवरऑल इस युद्धाभ्यास को लेकर आत्मनिर्भर भारत की हमने बात की, लेकिन आज के युद्धाभ्यास के लिए नौसेना की तैयारी को लेकर अगली बड़ी खबर आपके सामने और इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से नौसेना के महाअस्त्रों का भी प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नौसेना के शौर्य अस्त्र के बारे में सुमित, जहां पहली खबर नेवल एंटी शिप मिसाइल को लेकर, मारीस टॉर्पेडो को लेकर, वेपनाइज्ड बोट्स स्वॉर्म को लेकर, और जी हाँ फायर फाइटिंग रोबोट्स को लेकर और CNT बेस फायर फाइटर शूट को लेकर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट टॉर्पिडोज, इसके अलावा नेवल वर्जन्स की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे देश हैं हमारे देश के आसपास पड़ोसी मुल्क हैं जिनको ये सारी चीजें चाहिए। और इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि भारत शक्ति युद्धाभ्यास में पहली बार कौन कौन से हथियार आज अपना फुल एक्शन दिखाने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा तेजस फाइटर, यानी तेजस फाइटर की हम बात कर लीजिए, तेजस फाइटर जेट की बमबारी होगी। हालांकि देखिए इसमें हेलीकॉप्टर की तस्वीर है, 100 क्लस्टर ड्रोन की पेलोड के साथ ये उड़ान भरेगा। सुरभि, धनुष, पिनाका, K9 पहली बार एक साथ आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन इस बीच ये इन्फॉर्मेशन भारत के इस युद्ध अभ्यास में, इस शक्ति प्रदर्शन में कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स का एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का एक्शन और साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 और मार्क 4 को लेकर भी सुमित इन्फॉर्मेशन है।